ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार, आज मैं इस वीडियो में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। इस वीडियो में उर्दु प्रसारित पादासन के बारे में बताऊंगा, इसके क्या लाभ हैं और इसे कैसे करना है। इसमें पहले हमको, मैंने जैसे पहले बताया था पिछले वीडियो में भी, कोई भी आसन करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम कर लेना चाहिए। हाथ पैरों को अपने हिला लीजिएगा, उसके बाद कोई भी आसन आप कर सकते हैं। तो हम इसमें आसन करने से पहले इसमें हमको पीठ के बल लेटना होगा। हम पीठ के बल लेटेंगे, एड़ी पंजे दोनों मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर के अगल बगल में रखे हैं। तो पहले हम सांस बाहर करिए, सांस बाहर करने के बाद दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाएंगे। हमको सांस की गति नॉर्मल रखें। अब उसके बाद हमें शुरू करना है इस आसन को। तो पहले सांस को बाहर निकालिए, फिर दोनों पैरों को उठाएंगे, 30 डिग्री एंगल पर दोनों पैरों को रोकना है। ऐसी अवस्था में रुकें, सांसों की गति नॉर्मल, इसमें कम से कम 30 सेकंड तक रुकना है इसमें। जब रुक जाएंगे, सांसों की गति नॉर्मल रहे, उसके बाद हमको आगे ले जाना 60 डिग्री पर। सांस को बाहर निकालिए, फिर दोनों पैर को 60 डिग्री पर स्थापित करेंगे। हमें यहाँ पर भी हमें रुकना है, कम से कम 30 सेकंड तक रुकेंगे इसमें। सांसों को गति नॉर्मल, उसके बाद हमको 90 डिग्री तक सांस को बाहर निकालिए, दोनों पैरों को 90 डिग्री पर ले जाएंगे। यहाँ भी हमको रुकना है, कम से कम 30 सेकंड तक रुके इसमें। सांसों को नॉर्मल गति से लेते रहें और उसके बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को 60 डिग्री पर लाएंगे। फिर यहाँ भी हमको रुकना है, उसी तरह से हम 30 सेकंड तक यहाँ भी रुकेंगे। इसके बाद धीरे धीरे 30 डिग्री पर लाएं इसको, यहाँ भी हम रुके इसको। रुकने का धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लाएंगे, फिर तो दोनों हाथ जो है नीचे ले आइए और शवासन की स्थिति में लंबी गहरी सांस भरी सांस छोड़िए। जो लोग एक बार में इस क्रिया को न करें तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पहले 30 डिग्री करेंगे, फिर उसका 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो उसमें भी हम ये करना, दोनों को एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ जो है सिर के ऊपर ले जाएंगे और दोनों सांस बाहर करिए, दोनों पर 30 डिग्री पर रुकें। यहाँ भी जितनी देर तक रुक सकते रुकें, कम से कम 30 सेकंड तक रुकना है। उसके बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लाएंगे, लंबी गहरी सांस। अब दूसरी गैस में करना है, दोनों पैरों को 60 डिग्री पर ले जाएंगे, दोनों पैरों को 60 डिग्री पर ले जाइए और यहां रुकें। यहां जितनी देर तक रुक सकते हैं रुकें, कम से कम 30 सेकंड तक आपको यहां पर रुकना है। सांसों को धीरे धीरे लेते रहिए, धीरे धीरे दोनों पैर नीचे लाएंगे, कोई भी काम झटके से नहीं करना है। उसके बाद तीसरा जो है 90 डिग्री पर ले जाएंगे इसको, सांस छोड़िए, दोनों पैरों को 90 डिग्री पर स्थापित करें। सांसों की गति नॉर्मल, छोटी छोटी सांस लेते रहें, जितनी देर तक रुक सकते रुकें। उसके बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लाएंगे, इस तरह से यह आसन पूरा आ जाता है। अब उसको आसन के बारे में बताएंगे, दोनों हाथ नीचे लाइए, शवासन स्थिति में सांसों को नॉर्मल करें। उसके बाद है बाएं के उठते पीठ के बल बैठ जाइए। अब बैठने के बाद हम बताएंगे इसके फायदे। इसका सबसे आश्चर्यजनक जो आसन है, इसके लिए उदर के चारों जो मोटापा हो जाता है उसको कम करने के लिए यह आसन बहुत उत्तम है। और ये आसन जो है आपके, जो जैसे मैंने बताया, मोटापा इससे कम होने लगता है और इससे जो है पीठ जो है, पीठ के जो कटिप्रदेश है उसको ये मजबूती प्रदान करता है और अवयव जो है आपके वो भी इसके दूर होते हैं। और जो वायु रोग से या उदर रोग से पीड़ित हैं
वो भी इससे लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त जो है जो लोग बीपी से परेशान रहते हैं उनको भी आसन करना चाहिए, उसमें भी ये लाभदायक है। गुर्दों को भी ये सहायता देता है, पीठ के कसली भाग को ये मजबूती प्रदान करता है और इससे जो है तनाव, मानसिक तनाव भी कम होता है। अधिक लाभ लेने के लिए हमें आहार पर भी ध्यान देना होगा और इसमें हम सबसे पहले जो है खाने में मीठे पदार्थ, मिठाई है, आइसक्रीम वगैरह है और इन ये तले हुई चीज़ें, नमकीन वगैरह है, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। करना भी है तो बहुत कम मात्रा में करें इसका, तभी इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर खाते पीते रहेंगे सब कुछ तो फिर ये आसन से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखें, आप इनकी जगह में आप हरी सब्जियाँ और फलों का उपयोग कर सकते हैं और इस तरह से ये फायदा, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका बेकार है। हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है, शरीर जो है हमारा, अगर शरीर निरोग है तभी हम सुखी रह सकते हैं, अपना जीवन को सुखी बनाने के लिए जरूरी है। नहीं तो ये अगर रोगग्रस्त हो जाएगा तो ये आसन करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इतना ध्यान अवश्य रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करिए, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।